नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली पांडे व्लॉग्स। बाकी का आपको पता ही, अभी पता था भाई, अभी पता था, इसमें व्लॉग्स कम और रोस्टिंग ज्यादा। कोई सेंस है इस बात की? तो आज हम बात करने वाले हैं आप सबके फेवरेट शो बिग बॉस के बारे में, जो कि मेरा भी अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। देखो बिग बॉस क्या है, जैसे जैसे सीजन एंड होता रहता है बिग बॉस शो वैसे ही पॉपुलर होता जाता है, उतनी ही लड़ाइयाँ बढ़ती जाती है, वैसे ही कॉन्ट्रोवर्सी होती है। देखो जहाँ तक मैंने फॉलो किया, जहाँ तक मैंने मीम्स वगैरह देखा है, इस बार तो सब शॉर्ट्स और मीम्स ही देख रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? शो में सिर्फ और सिर्फ मुनावर भाई की इर्द गिर्द कहानियाँ चल रही, या फिर कभी काल को टपक जाती है ईसा के तीन चार जो अफेयर वो आके मटरा जाते हैं, या तीसरी चीज है यूके भैया, जो कि राइडर भैया को लोग जोकर बना चुके हैं, उनके वो आता है और ढोलक के जैसे बजा के चला जाता है। कुछ और ही समझ रहा था। बैड न्यूज आया पड़ा है कि यूके भैया को निकाल दिया गया, मतलब क्या करें यार, बताओ, मतलब पहली बार इतनी बेइज्जती हो रही है कि बताओ, यूट्यूबर को निकाला गया, वो भी बिग बॉस नहीं, घर वालों ने निकाला है, मतलब हद बेइज्जती है। इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चली चुका है जोकर भैया, जा चुके हैं और वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, होता है जिस बिलीफ पे भरोसा होता है, अगर आप उस चीज का मजाक होते हुए सुनते हो ना कि यार इस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं वो एक इंसान हूँ कि मैं वो सेंटिमेंट्स नहीं खो सकता। बिग बॉस देखो पसंद है, यूके 07 राइडर ही आता बेचारा, जो भी है यार, बहुत सीधा साधा बता। मालूम है तेरे इंपॉर्टेंट होता ना तो मैं उससे जाकर के दोस्ती कर लेता, मैं बिग बॉस का मेकर्स का फेवरेट बन जाता और अल्टीमेटली मैं आपको ना अंदर ही दिखता भी और लोग मेरी वाह वाही कर रहे होते। फॉर मी मुझे लगता है कि अगर कोई आपके सेंटिमेंट या बिलीफ को हर्ट करे ना तो उसे जिंदगी भर माफ मत करो। दैट वाज द ओनली पॉइंट कि मैं उसके साथ A1 से ऑपोजिट था, कि मैं वही बोला कि एक अच्छा बस कर भाई रुलाएगा क्या, हो सकता था दिस वाज द ओनली पॉइंट मैं उससे अलग तुमसे ना हो पाएगा। यार तुम सारे पागल हो, बिग बॉस का तो काम ही यही है, जिसकी बन रही है उसकी बिगाड़नी, जिसकी बिगड़ रही है उसकी बनानी, और यही यही काम है उनका, वो तो सो ही इसलिए बना हुआ है अपने रिश्ते खराब करने के लिए। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। यार देखो अब क्या कह सकते हैं, मुनावर भैया अपना धर्म निभा रहे हैं। जब लास्ट टाइम मिले शो पे आने से पहले तो हमारे बीच में क्लोजर नहीं हुआ, तो आप बेसिकली आपने जो शो पे बोला कि आपकी गर्लफ्रेंड है वो झूठिया बनाया तुमको। जो भी हो यार, मुनावर इतना ऐसा आदमी दिखता नहीं था यार, बड़ा सीधा साधा सा लगता, इतना नहीं पता कि ऐसा, ये तो आके बिग बॉस के शो में इसको लग रहा है बस मुनावर ही खेलने आई है, बिग बॉस चूना लगा दिया सो खेलनी है बस, उसको पता है एक मुनावर है थोड़ा सा फेमस, उसकी वजह से फुटेज पा सकती है। आई एम सॉरी बाबू। तो ऐसा दीदी है, उनका कहना है कि मुनावर भैया जो है उनको आई लव यू का मैसेज भेजे थे, बट वो अब आके बिग बॉस में कह रहे हैं कि हमारी तो लेडी थी बट उससे थोड़ा सा मेरा ब्रेकअप सा चल रहा था तो मैंने तुम्हें आई लव यू का मैसेज डाला। भाई ये कौन सा जमाना चल रहा है? आप मुझसे ये बोलकर आए थे कि आपका ब्रेकअप हो चुका है जी, शो पे आने के बाद अगर मैं देख रही हूँ कि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है और आप इतने लाउडली अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, देख के आपको आपकी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, कैसे वो आपकी यू नो अच्छा साइड और सॉफ्ट साइड निकालती है वो सब याद आ गई, तो फिर जो आपने मुझे चीजें बोली थी वो झूठ थी? हाँ क्यों, झूठ नहीं थी, लिसन आई एम टेलिंग यू, मैं उससे डन था, ऑलमोस्ट डन, जब आते वक्त भी हमारी बात हुई तो मैंने उसको यही बोला दैट मुझे नहीं लगता वी शुड गेट बैक, यू नो द रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं। आपने ये बोला? यस। वाओ वेरी डेंजरस। बिग बॉस तुम ये बताओ, ये बिग बॉस चल रहा है या फिर आपकी अदालत चल रहा है या फिर टेम्पटेशन आइसलैंड चल रहा है? मुनावर जी ने सोचा कि लॉकअप शो का जो थोड़ा अवार्ड है छोटा सा है तो बिग बॉस अवार्ड जीत के थोड़ा सा बड़ा अवार्ड करके अपना अलमीरा भर ले, समझ रहे हो? पर ऐसा हो गया है कि ये कितना भी कुछ भी डाल लें, मसाला मिर्च तेल फ्राई कर लें, बट अब बिग बॉस का शो ऐसा हो गया कि लोग मिल्स में ही काम चला। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर? और ये पता नहीं कहां से औरी पौरी लेके आ गए हैं, इसका तो ये इतना ही समझ नहीं आ रहा जितना कि दूध में मिला हुआ पानी। उसकी ना ये आदत है, इनको कोई ना कोई शो में ऐसा बंदा चाहिए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, कोई भी आए ढोलक बजाए चला जाए, ताकि किसी को अगर निकालने का मन हो तो एक ऐसा बंदा हो जाए जो कभी भी निकाल सकते हैं। अभी बजाएगा ना भीड़। और उधर देखो ईसा अभिषेक और सामर्थ, इनका ड्रामा ही नहीं खत्म हो रहा। ईसा का पता नहीं कि आपने सामर्थ बॉयफ्रेंड पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर एक्सेप्ट कर ली कि मेरा बॉयफ्रेंड है, अब एक्सेप्ट करके ड्रामे रच रही यार, केवल बस अभिषेक को भगाने पे लगी पड़ी। अरे यार अपना खेल ले, इसके अलावा कोई गेम नहीं है क्या तेरा इस बिग बॉस के शो में? कैसा लगा मेरा मजाक? सिर्फ और सिर्फ एक गेम है, वो है अभिषेक, उसको पोक करना, उसे लड़ाई करना। अब लास्ट में इसने ये किया, इसने इतना पोक कर दिया उस बंदे ने हाथ उठा दिया और वो घर से बाहर छोड़ के आया है। अरे कल
क्लॉस्ट्रोफोबिक वाली एक्टिंग तो सबने देखी होगी ना करके। सामर्थ के बीच में रितेश देशमुख जी भी आ गए, वो ये चीज बोल रहे हैं को जबरदस्ती पोक किया गया है, जबरदस्ती से निकाला गया है, ये बात फैक्ट है। ईसा ने इतना पोक कर दिया, उसे इतना हरासमेंट कर दिया कि वो बेचारा कल किसी से हारा। सही बता रही हूँ, कोविड खत्म हो गया बट ये बीबी का वायरस खत्म नहीं हो। देवा उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं और आपको खराब करना चाहते हो, आप उससे भागना चाहते हो, तो आप बिग बॉस में चले जाओ। गजब बेइज्जती है। सीजन का एंड होने वाला है बट ये ड्रामा जो है ना आज खत्म हो रहा है ना, लास्ट तक खत्म नहीं होगा। जिस दिन विनर बनने वाला होगा उस दिन भी ये बिग बॉस खेलेंगे। ये फंस गया सी है। नहीं तो इस बार क्या किया, इस शो में तो बिग बॉस खुद ही खेलना स्टार्ट कर दिए क्योंकि व्यूज के चक्कर में। अब देखो नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा बिग बॉस खुद ही घर में आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि फिर भी व्यूज नहीं आएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए मुनावर भाई, अब ये बताओ बिग बॉस का एंड होने वाला है, अब कौन से रियलिटी शो में लॉकअप होने। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है कि जब से ये जेल में गए तब से इनको लॉक रहना ही इनको पसंद है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तो। सो नाउ माय वीडियो इज ओवर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।